नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। उत्तरकाशी टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं, हादसे के 7 दिन बाद अफसरों ने दी जानकारी। भरतपुर में मोदी बोले, राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी, राजस्थान की जनता कह रही 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। खड़के का आरोप, बीजेपी व पीएम ने कांग्रेस की गारंटी की नकल करने का किया असफल प्रयास। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसे में 6 की मौत। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी सरकार लगा सकती है बैन, मुंबई दिल्ली चेन्नई की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान बेहोश हुई के कविता, कुछ देर बाद ट्वीट किया आप ठीक हो। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी के भाषण में वही मुद्दे, वही कहानी और वही कविता। जयपुर के एसएमएस में भर्ती दलित इंजीनियर से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़के और सीएम गहलोत। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, कांग्रेस सरकार रिपीट होने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। जयपुर में चुनाव प्रचार के दौरान युवक की मौत, सड़क पर गिरने से सिर पर लगी चोट। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई टाइगर 3, सलमान खान और YRF के लिए चिंता का विषय। कंगना ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट, आर माधवन के साथ आएंगी नजर। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। पैट कैमिंस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए शमी बड़ा खतरा, फाइनल से एक दिन पहले बोले, भारत बहुत अच्छी टीम। डेनमार्क अल्बानिया ने यूरो 2024 क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। अमेज़न ने भारत में की कर्मचारियों की छटनी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, 61,000 के पार निकला सोना। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। लंदन में ब्रिटिश सिख किशोर की हत्या के आरोप में 3 और आरोप। फिलीपीन में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई, 2 लापता। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।